हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल होम किड्स एंड मोर। आज के इस व्लॉग में मैं कुछ हटके शेयर करने वाली हूँ, जो कि है केक की रेसिपी। और इस व्लॉग को टू पार्ट्स में कंटिन्यू करूँगी मैं। तो ये है व्लॉग का पहला पार्ट, जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ केक का बेस। और इस केक में मैंने जो भी मेजरमेंट ली है, वो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने बेकिंग टिन और एक बोल को बटर के साथ में ग्रीस कर लिया है। इसके बाद मैंने बेकिंग टिन के लिए यहाँ पे बटर पेपर जो है कट करके उसके साइज़ का, उसको भी ग्रीस कर दिया है अच्छे से लगा के। और बोल में मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया है, मैदा। बस इसको डस्ट करके हम अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम अलग कर लेंगे। और उसके बाद बेस के लिए मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है, रिफाइंड फ्लावर या फिर ऑल पर्पज़ फ्लावर। और इसको मैंने हाफ कप से तीन बार मेजर किया है, तो ये है 1.5 कप मैदा। साथ ही इसमें मैंने लिया है 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चम्मच है, और दूसरा चम्मच जो देख रहे हो आप वो है हाफ चम्मच का मेजरमेंट। नेक्स्ट इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, ये है मैंने 1/4 चम्मच से नापा है और 1/2 चम्मच से। तो कुल मिलाकर आप मेजरमेंट देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे मैंने टीस्पून्स का यूज़ किया है, ना कि टेबलस्पून का। और इन सबको मिक्स करते हुए हम इस तरह से छान लेंगे। और ये कुछ गांठें आप जो देख रहे हैं, लम्ब्स, वो हैं बेकिंग पाउडर के। तो इन्हें एक चम्मच से अलग से ले के मैंने क्रश कर लिया है और इसे अच्छे से छान लिया है। बस हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी है केक के बेस के लिए। और अब हम चलते हैं हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल में 1/4 कप प्लस 2 टीस्पून के लगभग ऑयल लिया है। मैंने यहाँ पे कनोला ऑयल का यूज़ किया है, आप नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम ऐड करेंगे इसमें ये हमारा कंडेंस्ड मिल्क, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बट मैंने जल्दीबाजी में इसे रूम टेम्परेचर तक आने नहीं दिया था। इसको मैंने लिया है 1/4 टीस्पून से नापते हुए 3 बार। तो यूँ समझ लीजिए कि ये जो है 3/4 कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क है। अब हम ऑयल और कंडेंस्ड मिल्क को अच्छे से इनकॉर्पोरेट होने तक मिक्स करेंगे। ऑयल और कंडेंस्ड मिल्क अच्छे से मिल जाए तब हम इसको स्टॉप कर देंगे। और मिक्स होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये 1.5 चम्मच के लगभग, 1/2 टीस्पून के लगभग वनीला एक्सट्रैक्ट। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। तो इन टोटल मिल्क लिया है मैंने 1 कप, और इस मिल्क को मैंने टुकड़ों में ऐड किया है। अभी मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए इस घोल को, और फिर इसके बाद जब हम ड्राई इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे, यानी कि जो मैदा हमने छान करके अलग रखा है, उसको मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके दूध और थोड़ा और मैदे का मिक्सचर ऐड करते जाएंगे। जब तक कि मैं बैटर प्रिपेयर कर रही हूँ केक के लिए, मैंने अपना ओवन भी 360 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अगर आपका ओवन सेटिंग जो है सेल्सियस पे है, तो आप इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट कर लें। और हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। तो बैटर को मिक्स करते हुए आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप कट एंड फोल्ड के मेथड में अपना बैटर मिक्स कर रहे हों। और अगर आप ज़्यादा ओवर मिक्स कर देंगे इसको, तो इसमें ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा और ये जो आपका बैटर है वो बहुत च्यूई एंड हार्ड बन जाएगा। और इतना बैटर 8 इंच के पैन के लिए परफेक्ट है। 8 इंच के पैन में आप इसको परफेक्टली बेक कर सकते हैं। और मैंने एक्चुअली एक बाउल का भी यूज़ किया है। आई वांटेड अ शेप ऑफ डोम, क्योंकि मैं मिनियन केक बनाने वाली थी, तो मैं शेप कट करके केक बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने बाउल में भी बनाया था, जस्ट टू गेट दैट डोम शेप फॉर मिनियन स्टॉप। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस बोल में इसको बनाया है, बट आई वॉज नॉट रियली सेटिस्फाइड विद द लुक। तो इसके लिए मैंने एक और बैटर प्रिपेयर किया, जो कि रेडीमेड प्रीमिक्स के साथ में मैंने बनाया, जिसकी रेसिपी भी आगे मैं आपसे शेयर करूँगी।
तो बस यहाँ पे मैंने इसको ओवन में डाल दिया है। अब इसको मैं बेक करूँगी कम से कम 30 से 32 मिनट तक। आपके ओवन के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप इस पे नज़र ज़रूर बनाए रखें। केक तो बेक होके बहुत अच्छा निकला था, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी और बहुत ही बढ़िया बना था ये केक। टेस्ट वाइज इट वॉज़ वेरी गुड एंड ऑल्सो टेक्सचर वाइज बहुत अच्छा था ये। तो इनको मैंने पैन में ही थोड़ी देर छोड़ दिया है ऐसे ही। 5 मिनट के बाद मैंने इनको डीमोल्ड कर दिया और एक कूलिंग रैक पर निकाल के इसे ठंडा होने दिया दोनों को। एंड गाइस लेट मी टेल यू, मैं जनरली ऐसे केक नहीं बनाती हूँ। मैं मोस्टली प्रीमिक्स लाकर बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें मेजरमेंट्स का थोड़ा बहुत लोचा रहता है। बट दिस टाइम द केक वॉज ऑसम और आगे आप देखेंगे कट करके मैंने दिखाया है इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। इट वॉज़ वेरी सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। और मैंने प्रीमिक्स से इसलिए नहीं बनाया इस बार क्योंकि मुझे एग डालना होता और दिवांश का बर्थडे जो है वो नवरात्रि में पड़ गया था। तो आई जस्ट रिप्लेस्ड 1 एग विथ 1/4 कप ऑफ योगर्ट। तो इस रेसिपी में मैं हाफ ऑफ द प्रीमिक्स ले रही हूँ। तो प्रीमिक्स जो लिया है मैंने वो आपको अभी दिखाऊंगी मैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो हाफ क्वांटिटी के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट ले लिया है और ऑयल मैंने लिया है, दे सजेस्ट 1/2 कप, बट मैंने यहाँ पे 1/4 कप से थोड़ा कम ही रखा है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, फेंट लेंगे। और वाटर ऐड करने का सजेशन है 1 कप, क्योंकि मैं 1/2 कप हाफ क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने 1/2 कप यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है इसी दही में और अच्छे से इसको भी मैं फेंट लूँगी। और आधी क्वांटिटी जो है मैं केक की यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो केक का बैटर है वो है बेटी क्रॉकर ब्रांड का। आई एम नॉट श्योर लाइक और कौन से ब्रांड्स के साथ ये वर्क करेगा, बट इट वॉज़ ओके, लाइक काम चलाऊ था। नॉट एज फ्लफी एज द एग वंस, बट या इट वॉज़ ओके। तो ये हमारा बैटर जो है मिक्स हो गया है अच्छे से और मैं इसको रख दूंगी ओवन में 360 फ़ारेनहाइट पर 30 to 35 मिनट्स के लिए। और 35 मिनट्स में हमारा केक बढ़िया सा बेक होकर निकल गया। तो केक की जितनी भी प्रिपरेशन थी जैसे बेस वगैरह बनाने की, वो मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी और इस बार मुझे बड़ी पार्टी ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज नहीं करनी थी। तो मैंने इसको एक दिन पहले बनाया है और बर्थडे वाले दिन मैंने इसकी आइसिंग कर ली थी। तो एक दिन पहले ही रात को मैं ये केक को स्लाइसेस में कट करके रख ले रही हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया और सॉफ्ट अच्छा सा केक बना है ये। तो मैं यहाँ पे बस चेक कर रही थी कि कौन सा केक किसके ऊपर फिट बैठेगा। तो ओवरऑल लास्टली मुझे टिन वाला जो मैंने बेकिंग टिन में बनाया था केक वही वाला ठीक लगा, बट यहाँ पे कोई और समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। और ये बोल में जो केक बनाया था वो ऑलमोस्ट लाइक इट वाज ऑफ नो यूज़ फॉर माय केक। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी बर्थडे की आइसिंग और कुछ ग्लिम्स। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।